मैं गलत मैं तो जस्ट नहीं कह बोला रहा आप हर दोषी में बैठ रहा बैठ के रहे हो फिर ये नहीं बैठ रहे खाली हाँ आप बैठ रहे हो जय तक नहीं बैठा, जय तक नहीं बैठा वही तो तो अभी बिठा दिया था अभी ऋषभ के साथ चला जाता नीचे हालत खराब है भाई ये अपने साथ साथ ही ऊपर जाएगा आप वहाँ आ जाओ और थोड़ा ही तो है हाँ तो क्या मंदिर बैठ गया जाता चलो मंदिर आ गया विश्वनाथ मुंडे टेम्पल जो कि यहाँ से 60 किलोमीटर अराउंड एंड हम जाएंगे आज कार में क्योंकि भाई ये बाहर बहुत ठंड है तो सब गाड़ी चलाने के लिए सब मना कर रहे हैं सो आज हम जा रहे हैं कार में मिलते हैं आपको कार में बैठने के बाद 16 किलोमीटर दिखा रहा है हम फाइनली पहुंच चुके हैं भाई बहुत दिन नींद था रास्ते में सो ऐड तो किया हूँ बहुत सारा वे रूट का रास्ता बट अगर थोड़ा बहुत ऐड नहीं किया तो भाई बहुत जुनी मेरा आंख पूरा लाल हो चुका था तो अभी पहुंच चुके हैं यहाँ से सीढ़ी का रास्ता है ये रहा सीढ़ी वहाँ से भी ऊपर चढ़ेंगे जल्दी दिखा तो वीडियो में लेते बोल दे कहाँ पे कहाँ पे लाइन ऐसे पीछे अभी तू बोल वीडियो में बोल रहे गाइस पे हक दिया बोल मैं कुछ नहीं किया भाई बोल दे गाइस पे हक दिया अभी तक आधा ही स्टेप ही कवर हुआ है आधा भी बाकी है 300 स्टेप है टोटल हाँ वही तो एक स्टेप 3 स्टेप के बराबर सीढ़ी कम है स्ट्रेट में ज़्यादा है पहाड़ी है पूरा का पूरा देखो इधर भी खाई है लेकिन जगह मस्त कटक से है 63 किलोमीटर दो रास्ता है एक रास्ता अंदर देखे और एक रास्ता बाहर बाहर देखे अगर आप अंदर से आते हो तो थोड़ा गली थोड़ा छोटा है शॉर्टकट तो हर समय छोटा ही रहेगा और बाहर से आते तो NH हो गया हम लोग गली देख के फिर NH में उठे थे अभी जाने के टाइम NH स्ट्रेट जाएंगे तो अभी तक तो आधा रास्ता गया है उसमें सब हालिया हो गए हैं थोड़े बहुत हालिया मतलब टायर्ड मुंह पे जो आया बोल दिया उड़ीसा से है भाई हालिया ही बोलते हैं यहाँ पे बहुत जन चलो चलते हैं यहाँ पे एक काम करते क्रिकेट खेलते जो नीचे मारेगा लेके आएगा जो भी पूरी के बाईपास रोड से आ रहे चाय पीने चाय एंड कॉफी तो हर कोई पीता है बहुत सब ट्राई करते हैं वो गेट के पास आज मैंने एक चाय ट्राई किया मैं वहाँ का रिकॉर्डिंग ले नहीं पाया टोल गेट के पहले एक चाय का दुकान है उसमें लिखा रहेगा स्पेशलिटी एंड कॉफ़ी भाई सबसे बेस्ट चाय आप अगर कटक में मुनू का चाय पियो जो पूरा डाल के देते हैं पूरा क्या बोलते हो पूरा पूरा दूध का ऊपर वैसे का चाय अगर आप एक सिप पियोगे ना आपको पूरा मज़ा आ जाएगा चाय पी के मैंने तो चाय ट्राई किया था कॉफ़ी ट्राई किया नहीं लेकिन जो कॉफ़ी ट्राई किया था वो बोले कि हाँ ये जो कॉफ़ी भी अच्छा है तो चाय तो सबसे बेस्ट है ही है उससे पहले बार मतलब जब आएगा टोल गेट तो उससे थोड़ा पहले ही टी वो लिखा रहेगा स्पेशल टी एंड कॉफ़ी तो वहाँ का चाय पीना सो अभी हम तीनों तो आ गए ऊपर अभी वो भी आ रहे हैं पीछे पीछे देखते हो कैसे उनका ये रहता है प्रॉब्लम आने में अभी तो भाई मोहित तो पूरे ये हो गए हैं हर दो स्टेप में बैठ के आ रहे हैं ऐसा लग रहा है तो देखते हैं अभी कैसे चढ़ के आते हैं Oh, oh, oh.
जिसको नहीं पता कि ये पहाड़ का नाम क्या है, पहाड़ का नाम है बिंदेश्वरी पहाड़। एंड ये मंदिर का नाम विश्वनाथ टेम्पल क्यों है, क्योंकि ये पहली बात तो ये पूरा पहाड़ के पीक में है। सो एंड यहाँ पे मेन है ये महादेव शिव जी को यहाँ पे पूजा जाता है, लॉर्ड महादेव शिव जी को, सो इसलिए इसका नाम है विश्वनाथ टेम्पल। एंड मैं ये भी सुना हूँ कि अगर यहाँ पे जो वेदर अपना फॉगी वेदर यहाँ पे होके रखा है, अगर वो ये हो जाता है अपना थोड़ा क्लियर हो जाता है, तो यहाँ से जगन्नाथ मंदिर का ये दिखता है, जो फ्लैग होता है ना अपना, जो ध्वजा वो वाला दिखता है यहाँ से, मैं इतना सुना हूँ। एंड अभी तो पूरा का पूरा फॉग होके रखा है, सो मैं तो सुना हूँ यहाँ पे ऐसा होता है। भाई मैं भी जो पहली बार यहाँ, मेरे को भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ पे है, लेकिन बहुत ही क्लास जगह। अपना टोल गेट से हम आए थे राइट टुवर्ड्स पिपली, एंड वहाँ से आप ये जो गूगल मैप फॉलो कर लेना, मैं जो गूगल मैप है यहाँ का जो लोकेशन है वो भी मैं मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, तो वो जाके चेक इन करना। एंड यहाँ पे ज़रूर आना, देखो यहाँ पे ये भी लगा सोलर एनर्जी का, सो भाई बहुत ही क्लास जगह। अगर थोड़ा और वेदर क्लियर हो जाए, हम थोड़ी देर और वेट करेंगे, अगर थोड़ा वेदर क्लियर हो जाता है तो मैं पूरा सिनेमेटिक शॉट जो कि पहाड़ का है, देखो यहाँ से जो पूरा क्लियर दिख रहा है नीचे, तो मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। एंड अभी थोड़ा मंदिर का थोड़ा सिनेमेटिक शॉट्स ऐड कर देता हूँ। पहले स्लाइड में आप देख चुके हैं जो टेंपल का पूरा सिनेमेटिक शॉट्स, एंड यहाँ से जो अपना कैसे दिखता है नीचे की तरफ। सो अभी हम थोड़ा फोटो उठा के एंड अभी निकलेंगे भुवनेश्वर के लिए, वहाँ पे अपने करेंगे ब्रेकफास्ट, कौन सा एक है रेस्टोरेंट वहाँ पे जाके ब्रेकफास्ट करेंगे, थोड़ा फोटो उठा के चलते हैं। तो अभी जस्ट मैंने ब्रेकफास्ट किया यहाँ पे प्रिया रेस्टोरेंट में, कैसा लगा? इन लोग से रेगुलर, इन लोग का फर्स्ट विजिट बहुत अच्छा था भाई, मजा आ गया। फर्स्ट विजिट है ना, फर्स्ट विजिट बेस्ट विजिट, बेस्ट विजिट। मोहित भैया इसका आएगा तो नहीं नहीं सबसे भाई बढ़िया है गौरव, ये तो एक प्लेट में ही पड़ गया, ये दो प्लेट खाता है भाई, दो इडली दो बड़ा खाता है, दो बड़ा खाया है, इडली नहीं खाता है, दो बड़ा, दो बड़ा इक्वल है, दो इडली दो बड़ा ये इक्वल है, वो तो मैं खाया, ये तो कल से दो बड़ा खाया, दो बड़ा खाया, ये दो बड़ा खाया, मैंने बोलते दो प्लेट खाया हूं, दो प्लेट वाला एक बड़ा, और आपका दो पीस एक्सपीरियंस पूछे कैसा लगा? गए थे वो तो बहुत ही जबरदस्त जगह थी, अभी खाने का, खाने का एक्सपीरियंस भी बहुत सही था, बढ़िया था, छोले भटूरे जरूर ट्राई करना, मेरा डोसा भी बहुत अच्छा है, अच्छा है गरम और पर डाल के देता है मसाला, प्रिया रेस्टोरेंट है ये, ये अपना राम मंदिर के लेफ्ट में जाके एक गली के अंदर है, कार अपने को बाहर रखना पड़ता है, यहाँ से चल के आना पड़ता है, तो अभी वापस निकलेंगे अभी घर के लिए, मजा आ गया गाइस, बेस्ट ड्राइवर, बेस्ट ड्राइवर, और अपने दमदमनी तो और ही अच्छा था, सब भी अच्छा था भाई, दिल्ली हर जहाँ जहाँ नया नया था सब अच्छा था, वही तो, अभी निकलते हैं घर के लिए। जस्ट अभी घर आया, बहुत ही टायर्ड हो चुका हूँ भाई, 3000 स्टेप चलना पूरी पहाड़ के ऊपर कोई छोटा बात नहीं है। एंड भाई बहुत ही क्लास जगह है, अगर आप पूरा ऊपर तक पहुँच रहे हो, मंदिर भी देख रहे हो, एंड वहाँ से जो व्यू दिखता है ना पूरा चुम्मा व्यू है। सो मैं प्रीफर करूँगा कि आप अपने दोस्तों फ्रेंड सर्कल को लेके उधर जाओ, भाई टेम्पल है लेकिन वो टेम्पल का जो फील है पूरा माउंटेन के पीक के ऊपर बहुत ही ओपी है। एंड वो जगह का लोकेशन जो है वो मैं मेरे ये वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, उसको क्लिक करना। एंड अगर आप कार में नहीं तो बाइक में जा रहे हो, तो अगर रास्ते में कोई छोटा मोटा दुकान आता है तो उनको भी पूछ लेना कि भाई ये वाला रास्ता सही है या नहीं, क्योंकि कभी कभी गूगल मैप भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ का दो रूट है, एक रूट है एनएच देके एंड एक रूट है पूरा गांव देके, वो जो गांव देके है वो उस है शॉर्टकट रास्ता बट है बहुत छोटा छोटा रास्ता, तो आप हर समय इसको पूछ के जाना जो भी वहाँ पे लोकल शॉप है वहाँ पे पूछ के। सो अगर ये वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ,
एंड कमेंट सेक्शन में बता देना कि और क्या मेरे को इम्प्रूवमेंट चाहिए एज अ ब्लॉगर। मैं हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ एक इम्प्रूवमेंट ला रहा हूँ। अगर और कुछ इम्प्रूवमेंट अगर चाहिए तो आप मेरे को यार वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कि भाई तेरे को ये इम्प्रूवमेंट चाहिए। सो वो मैं उसको पूरा नज़र देते हुए मैं पूरा ये करूँगा, अपने नेक्स्ट ब्लॉग में पूरा इम्प्लीमेंट करूँगा। सो तब तक के लिए एज ऑलवेज गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, एस्पायर टू इंस्पायर बिफोर वी एक्सपायर।